रहा था कि जब भी आप फिल्म करेंगे और अगर आप चाहें कि मैं रहूं तो मैं जरूर रहूंगा एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड। अच्छा जैसा बात करें मैं क्यों बोल रहा हूं सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे बैठा रहूंगा मैं ऐसे बैठा रहूंगा दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफकोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर हेलीकॉप्टर शॉट सर, तो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका। सो बहुत बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने एंड नीरज तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। नीरज के लिए मैं आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, काफी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनके मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर। सो यू नो नीरज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई थिंक इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है और आई फेल्ट यू नो जितना भी हमने इंटरेक्शन किया आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी, यू नो मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, यू नो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो यू नो इफ यू कैन कन्विंस हिम फॉर एन इंटरव्यू यू विल गेट अ बेटर इंटरव्यू देन यू नो रियली आस्किंग मी अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं काफी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इफ आई हैव टू इन्वेस्ट 6-7 मंथ्स ऑफ माय लाइफ द स्क्रिप्ट नीड्स टू बी आई मीन लाइक इट शुड एक्साइट मी टू ग्रेट लेवल एंड आई रिमेंबर दैट मीटिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग फिल्म्स वी डिस्कस्ड अराउंड फोर फिल्म्स four scripts and this was a film that he was not offering me and it got stuck and I read the script, I could not let it out of my head, although there are things in the film that personally I don't believe in, but the script was so well written and the way Dinu narrated I wanted to believe in all those things. So yeah, so if you great time reading the script, building the character, and then experiencing shooting the film. I hope you guys, when you watch the film, have the same wonderful experience. Awards, very important, man. You know, you have a chance to get ready like this, and then you perform on stage, and then you get paid for it, so yeah. Yeah, I mean, like, probably I think that every child in this country either wants to be a cricketer or a hero in a Bollywood industry, yes. And, of course, and not just like her. But yes, I think I'm very fortunate that last 1 year I've been investing my time in, like, intricacies of cricket and now I'm almost a pro cricketer. So if acting doesn't happen next year, probably I'll play IPL or something. Correct. Very good. Thanks for reminding me that. Yes, probably by the end of this year. Yes. Like a final destination. Final destination. अरे ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बोलूँ मैं? आप पूछिए, बस बोलेंगे। अभी किया नहीं अभी करने वाले हैं।
Very soon. She performs all the time for me. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा. All right. बिल्कुल बिल्कुल. Power couple? Powerful couple. Yeah, I've been like spending time in a gym lately. So yeah, it's all powerful. बजट से तो सबको बहुत हाई ग्रेट एक्सपेक्टेशंस होता है, लेकिन बार बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. इस बार देखते हैं. थैंक यू. आपको हमेशा ऐसा लगता है या आज ही ऐसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है, देखते हैं. जी हाँ, मैं ओहो सर बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आने के लिए, और अंदर जाके देखते हैं. एनीथिंग एल्स? आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे. सेंटर में वीडियो के लिए राइट में सेंटर फिल्म को लेकर जो प्रॉब्लम्स हुई थी, फाइनली फिल्म रैपअप हो गई है, रिलीज हो अनाउंस डेट हो गया है. कितना एक्साइटेड तो हमेशा होता है जब फिल्म साइन करते हैं. कहानी अच्छी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ. फिर मैं होप करता हूँ कि आप सब देखें, और जब आप देखते हैं तो फिर मैं होप करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगे. तो मैं वही कर रहा हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और होप भी कर रहा हूँ कि आप सबको अच्छा लगे. सारा के लिए क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट मूवी थी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा? मुझे ऐसे तो बहुत साल हो गए, लेकिन बहुत साल नहीं, 5 साल हो गए, लेकिन मुझे वो याद है कि वो पैशन जो होता है सीखने का, और पहले से जो काबिलियत होती है वो दोनों में, और बहुत 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 मज़ा है. एंड आप सब देखेंगे कि उसमें क्या काम किया. मुकेश के साथ आप फिल्म कर रहे हैं अगेन, एक्साइटेड होते हैं तभी फिल्म साइड करते, नहीं तो फिर और भी एक्साइटिंग काम है करने के लिए. लेकिन मुकेश जो है बहुत ही स्पेशल है मेरी लाइफ में. उन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म दी थी, एंड बीच में हमारी बीच में बात चल रही थी, और मैंने बोला था कि जब भी आप फिल्म करेंगे और अगर आप चाहें कि मैं रहूँ तो मैं ज़रूर रहूँगा. एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड वी आर सो एक्साइटेड. एंड वर्कशॉप चल रही, मेहनत कर रहे हैं. उन्होंने ही मेरी काय पोचे की भी वर्कशॉप ली थी, आज अपनी फिल्म के लिए रहे, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, अपने आप के लिए बहुत खुश हूँ. एक्नॉलेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन तभी आती है जब आप परफॉर्मेंस के वक्त उस समय उसके बारे में सोच नहीं रहे. तो मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ कि अच्छा एक्नॉलेजमेंट. सुशांत राइट, सुशांत राइट भैया, सुशांत यहाँ पे, सुशांत सुशांत राइट, सुशांत सुशांत राइट 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 सुशांत राइट.
सुशांत देख यहाँ पे If I have to invest 6-7 months of my life, the script needs to be, it should excite me to a great level. And I remember that meeting when we were discussing films, we discussed around four scripts. And this was a film that he was not offering me. And it got stuck. And I read the script, I could not let it out of my head, although there are things in the film that personally I don't believe in, but the script was so well written and the way Dinu narrated, I wanted to believe in all those things. So yeah, so if you great time reading the script, building the character, and then experiencing shooting the film. I hope you guys, when you watch the film, have the same wonderful experience. I think somebody should not give his or her opinion if he or she is not like very well informed about the topic, because it is a sensitive thing. So you need to be very, very. Ma'am, can you at least allow me some time to. That's exactly what I'm saying. We got your question. All right, we got your question now. But to say yes, condemn, or no, condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. Maybe we haven't read enough to be able to give a proper answer. Why is it so wrong? Should I ask you like few questions? Would you answer all the questions? Should I ask you like questions about national interest? Would you know all the answers? So there is nowhere written that a public figure should know everything about. But let's. No, we. All right. Any other questions? Out of many options, I had this luxury of choosing these films. So I, from a personal point of view, I cannot complain. But having said that, it is not there. It is not that it's not there. It's there, and it's everywhere in all sorts of industries, just not Bollywood. And I feel that nepotism can peacefully coexist with the fact that if you allow new talents from outside to flourish and encourage them, then there's no problem with nepotism. But if you don't allow that, then there is a problem, and I think that the whole structure of the industry would collapse in some time. Hi, Sushant. The title is so, Rapta, it just cannot be a connect with any physical connect. Like, you keep writing these self-using, and people like me find a strong connect with that. And there's also one more gentleman, Shekhar Sumanu, who keeps writing these... Shekhar Kapoor, who keeps writing these wonderful pearls of wisdom. So what I wanted to know was that, is this self-using, is it a result of your camaraderie with Mr. Kapoor? Probably yes, because I think before I met him, when we were preparing for this film, unfortunately, that didn't get made, which was funny. I think I was quite rigid as far as my point of views were concerned, quite very opinionated. And what he did to me in those 6-7 months was to convince me that there is just not one right way of looking at things and doing things, but it just depends on your perspective, and anything could be right, anything could be wrong. Thank you so much. We'll have a quick photo up, ladies and gentlemen. Yeah, over to you. Yeah, aap log wait kar rahe the, I know.